बनाओ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से। उपायुक्त किश्तवाड़ अमरीत सिंह राणा ने विभिन्न अधिकारियों के साथ किश्तवाड़ शहर और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया ताकि आवश्यक सेवाओं और बर्फ निकासी कार्यों की स्थिति की निगरानी की जा सके। अपने दौरे के दौरान उन्होंने किश्तवाड़ शहर के जिला अस्पताल, बस स्टैंड, डाक बंगलो, गिरिनगर और आसपास के अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। किश्तवाड़ से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। जिला किश्तवाड़ के टाउन जो है हमारा किश्तवाड़ टाउन है उसका भी मैंने मायना लिया पूरा। खुद इंटीरियर में जाकर जितनी भी गलियां हैं मैक्सिमम गलियों में घूमा हूँ। हमारा जो बीच में ट्रंक रोड जो है इसका हमारे टाउन का वो क्लियर है। मोटे मोटे रोड जो है हमारे तमाम हमने बर्फ हटाई हुई है इन पे, लेकिन जो गलियां हैं बड़ी नैरो गलियां हैं हमारे किश्तवाड़ टाउन की, तो इसमें हमारे म्यूनसिपलिटी के जो आगे ऑफिशियल जो उनको डायरेक्शंस दी हैं कि इसको जल्द अज जल्द आप क्लियर करें। जम्मू महोत्सव प्रोग्राम पर्यटक विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी को लेकर धर्मनगरी कटरा के मुख्य बस अड्डे पर भी पर्यटक विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SDPO कटरा विवेक शेखर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और पर्यटक विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। हिंदू एकता मंच के नेता राज खजूरिया, नौजतवाल पंचायत के नायब सरपंच किशोरी लाल, उनके साथ पंच लाल चंद्र पंच, नेहरू लाल पंच, शीतल देवी, डॉक्टर चुन्नी लाल ने जतवाल पंचायत के गांव बलूनी में प्राइमरी स्कूल जाकर जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े, किताबें और अन्य जरूरत का सामान बच्चों में वितरित किया। वहीं हिंदू एकता मंच के नेता राज खजूरिया ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और वो जरूरतमंद बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जतवाल से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल कालाकोट में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर SHO कालाकोट मुश्ताक अहमद ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना हमें अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खासकर वाहन चलाने वाले चालकों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और वाहन चालक नियमों के अनुसार वाहन चलाएं। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर रोष रैली निकाली। शहर के शहीद भगत सिंह सिटी फॉरेस्ट पार्क से जिला सचिवालय तक रैली निकाली गई। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। आज हमारे प्रोटेस्ट का 26 डे है, जैसे कि पिछले 26 दिनों से हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है जो हमारे गवर्नर साहब हैं और जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी हमें सीरियसली इस मुद्दे को नहीं ले रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि NRHM के एम्प्लॉयज, चाहे वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, स्टाफ नर्सें हैं, वो रोड पे लास्ट 26 दिनों पे स्ट्राइक पे हैं। हम लोग सफर कर रहे हैं लेकिन उनको इस चीज की कोई चिंता नहीं है। वो मुझे लगता है वो चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग दम तोड़ दें, मर जाएं। लास्ट टाइम भी हमारी 37 दिन की स्ट्राइक रही थी। रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक के चलते नेशनल हाईवे कठुआ पर लोगों को यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। इसकी पूरी जानकारी RTO RK थापा द्वारा दी गई। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। सब जानते हैं हम 30th रोड सेफ्टी वीक जो है वो मना रहे हैं। 4 तारीख को इसका इनॉग्रल फंक्शन हुआ, 4 तारीख से मनाते जा रहे हैं। जीवन सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा एक इसका ओवरऑल थीम है इस 30th रोड सेफ्टी वीक का। गरीबों की जेब पर किसने लगाई सेंध? जम्मू संभाग का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। जी हां, फर्जी बैंक की 40 से अधिक ब्रांच
हजारों खाते में करोड़ों रुपए, कौन दिलाएगा वापसी। कठुआ के सहार लोगेट में फर्जीवाड़े के शिकार हुए कई गरीब लोग, दयाला चक, बनहोड़, बिलावर, सांझी मोड़, बुद्धि आदि जगह भी है फर्जी बैंक की ब्रांच। कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर चल रही फर्जी बैंक। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और स्टेट सेक्रेटरी एडवोकेट महरूब खान मेंधर में मीडिया से रूबरू हुए। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। जी और उसके साथ लाखों की तादाद में जुड़े हुए जो लोग हैं उनको वो यकीनन एक ऐसे जहाज में बंद करें और समुद्र में जो है समुद्र बदर कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त बीजेपी की आदत और उनके एजेंट जो रियासत जम्मू कश्मीर में उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना के भेजे हैं सत्यपाल मलिक जी, वो बखराट में घबराए हुए हैं। आज गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल घगवाल में हेलमेट के विषय में छात्र और छात्राओं को जागरूक कर घगवाल में छात्र और छात्राओं की रैली निकालकर आम लोगों को जागरूक किया गया। बच्चों का कहना है कि हेलमेट पहनकर गाड़ी को चलाना है और जिंदगी को बचाना है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ घगवाल से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। आरटीओ सांबा ने आज 30वां रोड सेफ्टी दिवस का आयोजन राजपुरा में किया, जिसमें सीमा क्षेत्र के लोग और राजपुरा घगवाल में मेटाडोर गाड़ी वालों ने शिरकत की और एआरटीओ सांबा ट्रैफिक डीएसपी ने रोड सेफ्टी दिवस के अवसर पर लोगों को हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाने और कई सारी जानकारी दी, जिससे रोड पर हो रहे एक्सीडेंटों से बचा जा सके। घगवाल से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। चिनाब वैली के जिला रामबन डोडा में भारी बर्फबारी पर लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला डोडा के धंधल में भी लोग काफी परेशान हैं, जहां पर हिमानियों के गिरने का सिलसिला जारी हो चुका है। हिमानियों से बचने के विषय में धंधल के लोगों ने भाजपा नेता हरजी लाल गौरिया, इरशाद शान, हाकम दीन के अलावा अन्य लोगों ने आज डिप्टी कमिश्नर डोडा अंशुल गर्ग से भी मुलाकात की। लोगों का कहना है कि लोगों को भारी बर्फ से हिमानियों का बहुत खतरा है, लिहाजा उन्हें यहाँ से दूर जगह माइग्रेट किया जाए, जहाँ वो सुरक्षित महसूस करे। डोडा से हरदेव मनहास की रिपोर्ट। ये हमारी पंचायत गाड़ी है, मैं पंचायत गाड़ी का सरपंच हूँ। यहाँ पे बहुत सी खस्ता हालात हो गई है, जमींदारों के जितने पेड़ हैं, जमीनें हैं पूरी खिसक चुकी हैं और कई मकान नुकसान हुए हैं, क्रेक हो चुके हैं और यहाँ पे काफी सारी बर्फ गिरने की वजह से यहाँ पे कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट गुलाम हसन मीर ने राज्यपाल प्रशासन की लद्दाख के लिए संभागीय स्थिति की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि दूरस्थ क्षेत्र के लोगों के हितों में इनकी आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने चेनल घाटी, पीर पंजाल, अनंतनाग और बारामूला के लिए सौभाग्य दर्जे की मांग की। फिलहाल जेके खबर नाउ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाउ। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाउ भी लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। नमस्कार। एम हुंडई और एस्ट्रो महिंद्रा एंड महिंद्रा आउटलेट में मौजूद है।
अब ये सुविधा बिलावर के अंदर शुरू होने से बिलावर बसोली बनी के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आप इन दो कंपनियों की कोई भी गाड़ी बिलावर के एएम हुंडई शोरूम में आकर खरीद सकते हैं, जिसका पता है एएम हुंडई नियर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर अपोजिट वुडसा मिल। दूरभाष नंबर है 8493855057 और 7006423499।